अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग मुर्शिद आ गया भाई, मुर्शिद भाई मेरे को खुशी ना किस चीज़ की वो मैं तुमको बता देता हूँ। खुशी इस चीज़ की साथ कर मैं अब मेरे को सच बोलूँ तो खुशी भी है, हैरानी भी है। सबसे पहले तो इस वीडियो पे 2000 लाइक मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं पता ऐसे खोल के लाइक कर दे फिर पापे बंद कर दे। खुदा कर रहा कर्मा आया साथ में, और अब कर्मा जब आया तो क्योंकि किंग क्योंकि है अभी तक चल रहा था। किंग का ना एक बड़ा बेहतरीन सीन है कि वो हर जगह हाथ मार सकता है, ठीक है। मुझे हिप हॉप आर्टिस्ट करके मिला था, बाद में उसने चीज़ों में ऐसे हाथ मान लिए जहाँ पे वो मास्टर तक पहुँच गया। और एक ऐसा आर्टिस्ट है जो मोहब्बत वाली चीज़ अगर गाता है ना तो मेरे को पसंद आती है, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है, मैं अपना वाइब लेता हूँ उस चीज़ से और मैं रोने पिटने नहीं बैठता, इंजॉय करता हूँ। तो वो वाला मेरा सीन है। तो किंग है साथ करो, मैं क्या लेकर आया, दोनों गॉडशिप गाने का नाम है। होपफुली एक हार्ड कोर हो, या ये हो सकता है कि वो अपने वोकल्स लेकर आए किंग और कर्मा बीच में रैप करे, या तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं। बाबा जी हाय यस कमांड चले, मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े, चेहरे पे स्कार पड़े, फोन पे तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से गुस्ताखी हो गई किंग भाई, मैं आपको मेलोडीज ओ भाई ये बड़ा गैंग बोले बोले चले, मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े, चेहरे पे स्कार पड़े, फोन पे तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पे जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर ही काम लगे। या ये लाइन अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहां से सीखी, तरकीब नहीं पारे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, दे कांट ये किंग नहीं है भाई, मैंने किंग को जाना ही नहीं, मैं तो किंग मैं रोको किंग को जा, ये वो नहीं है भाई, ये मैं माजी को देखता हूँ भाई, ये वो है, ये इसका एक अलग। अबे इसने क्या किया भाई। अच्छा हम जैसे गरीब होते हैं ना, इस चीज को देखकर सोचते हैं कि क्या चादर को ओढ़ के इसने, है गरीब लोग लख लाना तुम्हारी जिंदगी में मेरे साथ। अच्छा ये भाई ये वो किंग नहीं है जो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट वापस कर दी जाए, मैं इस लड़की के साथ कुछ नहीं मिलना चाहता। ये चीज वो किंग, असल में किंग इतना इंटू हो गया था ना मास्टर्स तक, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मास्टर्स तक पहुँचना हर बंदे का ख्वाहिश होती है, हर बंदा सुने, हर बंदा इंजॉय करे, वर्सेटैलिटी है बंदे के पास, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को मिस हो रही थी, जिससे मैं मुर्शिद को मुर्शिद बोलता हूँ, तुम समझ रहे हो। और ये MM क्या है यार, दिन मेरे को समझ आ रहा, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर ही काम लगे। या ये लाइन अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहां से सीखी, तरकीब नहीं पारे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, they can't afford, they won't believe me, I'm a genius, yeah, I'm so freaky, she call me, सीधा दुबई से करी इंतजार, हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी ही, वो वैसे थी बंदी किसी की, वो देखती ख्वाब में अपने, मैं उसका ड्रेक, वो मेरी की मिला कि डू यू लव मी ऑन ट्रेक का रेफरेंस, आई डोंट नो। काफ़ी लोगों ने सोचा था कि वो कोई डिस करेगा या ऐसा करेगा, क्योंकि MEV के साथ कांड हो गया, MEV के साथ कांड हुआ हुआ भाई, और तो मैं समझा ऐसा वैसा सीन होगा, बट आई थिंक ये गाना पहले ही था या अब बनाया गया हुआ या उसके बाद, मेरे को ना अभी समझ, मेरे को ना ये सॉरी मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे को ना आराम से आना पड़ेगा। सो ओके आई एम अ जीनियस, आई एम सो फ्रीकी, मैंने आई एम सो फ्रीकी, ठीक है भाई। शी कॉल मी, सीधा दुबई से करी इंतजार, हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी ही, वो वैसे थी बंदी किसी की, वो देखती ख्वाब में अपने, मैं उसका ट्रेक, वो मेरी की मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा बिच बीट की चूची, हल्की से जो पकड़ी बेस लाइन में बना आइंस्टाइन, तेरी मर गई थोपली, रैप करेगा हल्की से जो पकड़ी बेस लाइन इज लाइक, क्या बोलेंगे हम,
एक चीज समझ आ जाए जिस पर तुम बहुत देर से लगे होते हो, जब वो चीज तुम पकड़ लेते हो उसके बाद तुम माका भोसड़ा कर देते हो, समझ आ गई, फन हाथ में आ गया तो फिर तुम छोड़ते नहीं हो। तो आइंस्टाइन का भी यही हिसाब मतलब बताया जाता है कि उसको एक चीज समझ आई उसके बाद उसने सारे स्टूडेंट्स को याद दिया, ये बोला सीन, ठीक है ना। तो हाँ सही है भाई, तेरी मर गई भूख में, रब करेगा सतन से, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ ट्रू शिट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यू सिट, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिस। यार मैं इस गाने में कितनी दफा रुकूंगा, सबसे पहला सवाल ये है, दूसरी बात ये है कि गाना मोशपिट कर रहा है भाई, तुम्हारा दिमाग का भोसड़ा हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना, ये जरा एहतियात करके सुनना, ये मैं सुबह के 5 बजे सुन रहा हूँ अभी, मेरे को नींद आ रही थी और मेरे को जगा रहा है ये, बिल्कुल ना मेरा दिल कर रहा है मैं एकदम जंपे का मारना शुरू कर दूँ, गला बजा, एक्सट्रीमली वोकल चेंज कर रहा है, फ्लो चेंज कर रहा है और इतने टाइट लिरिक्स हैं। ये गाना बनने की इन्होंने डाली है वीडियोस वगैरह सब सोर्सेस नकली चीज नहीं आ सकती। अबे भैंचोद कौन सा एक गाना है जिसके ऊपर इतनी ज्यादा वीडियोस इन्होंने बना दी, एक दो, इधर इसने शर्ट कुछ और पहनी है, नहीं इन दोनों में एक ही पहनी हुई है, ये किसी और के साथ निकला होगा, यहाँ पे कर्मा आया है, जो आया था कर्मा के साथ था गैंगस्टर, वो काफी यार साले ने, अच्छा वो मुझे लग ही नहीं रहा था, फिर वही बात है मास्टर तक पहुंचाना, तो भाई वो गाना पहुंचा दिया, उस बंदे ने खींच लिया वो गाना, आई डोंट थिंक माँ कसम के बाद उस लेवल पे कोई इससे बड़ा गाना है कोई, और माँ कसम था ना कृष्णा का, उसके बाद कोई बड़ा, या वही है सबसे बड़ा गाना उस लेवल पे, माँ से तक पहुंचा देता भाई, ये गेम है किंग की। भाई मुसलमान हिंदू सब भाई भाई, इस लड़की का आईडी चाहिए अबे इसकी धोनी, ओह माय गॉड MS धोनी, बालकनी पे करे वो गैग वो ना सांस लेती, भाइयों के साथ रिवर्स के 50 PT, पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाज मिटी, किया प्यार सजा लाजमी थी गानों के जरिए। ये मेरे ख्याल चांद पे है, चांद पे। अच्छा भाई एक चीज मेरे को ना बड़ी खूबसूरत लगती है, आप कर्मा को ना कभी भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, वीडियो बनाते हो उसकी गुफ्तगू, अगर ये बंदा हकलाता है ठीक है, ठीक है ना, हकलाता बंदा फ्लोस छोड़ता नहीं, ठीक है ना, और जब स्पेशली जब आप स्लो हो जाते, मेरा मानना जितने मैंने देखे हैं, गलत हो सकता हूँ, जो बंदा ये हकलाता हो या इंसान हकलाता हो सबसे पहले उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं तो अनफॉलो कर दूंगा। तो जब बंदा हकला रहा होता है ना तो हकलाता है और जितना स्लो बोलता है ना तो उसको उतनी हिचकिचाहट होती है लफ्ज़ को बोलते हुए, और ये बंदा रैप कर रहा होता है स्लो में ला के, ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टूडियो में जाके इतना रीटेक दे रहा होगा, तुम समझ रहे हो बात को। सांस लेती भाइयों के साथ रिवर्स के 50 PT, पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाज मिटी, किया प्यार सजा लाजमी थी गानों के जरिए, आप भी पी ले बताई ने आगे की ब्रो। आइए सेवन देख स्टेशन सेवन गोट गोट शिट रफ रफ एक बार
अभी तो यार मैं क्यों ये चीजें देख रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? मतलब दूसरी दफा ये चीज हो गई है, अबे ये एल्बम तो नहीं निकाल, ये एल्बम तो नहीं निकाल रहे एक साथ, क्योंकि आज का ट्रेंड बहुत ही नोया हुआ है, काफी आर्टिस्ट इस तरह की ये बंदे हो गए शिक्षक शोक मेरे बार्स करे टिक टैक टो होड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट टॉप मोनोपोली मूव्स मोनोपोली फ्लो सोच एक दिन सोचू फक दिस ब्रेक दो महीने में डाल दूं मैं 6-7 ड्रॉप और गलती से कर दूं ये हाइप तेरी चौपट को दो सीट बिट सीट जीन फक ऑफ फकस सूट मेरे घर जैसे मॉल दरा दोनों वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरे में कॉल पोकेमोन जैसी बंदी है क्योंकि मरी का सॉल पोकेमोन जैसी बनी है क्योंकि मरी का सॉल पोकेमोन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन द बॉल्स टिक एक मिनट देहरादून वाली सर्दी सेक्स भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई चूत चाहिए भाई भाई चूत चाहिए अच्छा सेक्स का मुझे माहौल याद आ गया उसका गाना जो था वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरे में कॉल पोकेमोन जैसी बंदी है क्योंकि मरी का सॉल पोकेमोन जैसी बंदी यार ये चीज मेरे को समझी कॉल पोकेमोन जैसी पोकेमोन जैसी बंदी क्यों घूम रही कसौट जैसी बंदी है क्यों घूम रही कसौट पोकेमोन जैसी बंदी क्यों घूम रही कसौट पोकेमोन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन ये छपड़ी बोल रहा है पोकेमोन जैसी चीज पोकेमोन के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज है या तो मॉन्स्टर्स थे या तो उसकी जो चीजें होती थी वो रंगीली होती थी सो स्ट्रिंग इन माय बॉल्स वो ज्यादा चीज होगी पोकेमोन की इतना मैं दिमाग लगाता हूँ ना मेरे दिमाग में पेन होना शुरू हो जाता है जैसे पोकेमोन जैसी बंदियाँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें हैं ये मैं देख रहा हूँ ये इंडिया से अफवाह फैल रही है कोरोना के बाद और कराची में तो फैल गई हुई है मैं एक दफ़ा कराची गया वहाँ पे मुझे ऐसा छप्पड़ नजर आया था मेरा दिल किया कि यहाँ पे मकसद अपना पूरा कर दूँ फिर मैंने कहा दफा करो पोकेमोन जैसी बंदियों की घूमरी का सॉल्व पोकेमोन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन माय बॉल्स टिक चू केला चू रखू गेम कंट्रोल में ऐश में मिला दूं केलो पेस्ट कंट्रोल लाइक दिल्ली वाली मेरी खारी पेटा बॉम्बे वाली करे टॉर्क कती होगा सीखा फ्लेक्स इतना के बंदी में से बल हटा दो बंदी बिना ऐपा का करेगी चकती था सम ट्रिक्स सम चीखा सम स्वी ओ मेरे खुदा इसके लिरिक्स में होते ना मैं काफी ज्यादा मैं चीजें मिस करता था सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे जितना मेरे जैसे लोग हैं ना जो कि इनको मिस कर रहे थे इट्स अ प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक और मेरी हिप में ये होप एक दिला दी इस चीज़ ने ठीक है ना कि ये रुकने वाला नहीं है ठीक है ना सेकेंडली मुझे एक फ्यूचर डिस्टिक चीज़ ऐसे लग रहा है मैं गलत हो सकता हूँ कि शायद कर्मा के साथ और गाने भी आए इसके मतलब एल्बम टाइप कुछ ऐसे शायद इन्होंने सोचा ठीक है ना सोबा और ये वो कौन था गाना कुछ ऐसा करके था ये मैं ऐसा की गाने नहीं सुनता भाई मैं कोई कूल नहीं दिखने के लिए बोल रहा मैं माइकल जैक्सन के ना डांस देख रहा था तो उसके नीचे इस तरह के गाने आते हैं बहुत ज़्यादा और मेरे अंदर वो मैंने रिकमेंड में आने शुरू नहीं हो जाते कोई बोला ही नहीं मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने लिखी बस दो लाइन नहीं अभी बसता तो खोला ही नहीं कैसा रैप जब रोला ही नहीं गाना खत्म को है भाई गाना खत्म को है पूरा मजा दे के आखिर में बकचोदी कर रहे हो कि भाई तुमने भी कुछ बोला ही नहीं एक फ्लेक्स है बस तो खोला ही नहीं कैसा रैप जब रोला ही नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक ये मजेदार था ब्रो ये मजेदार था बातें करो गोल आएगी बातें करूँ ना गोलाई की और बोलाई ओ मेरे खुदाया किंग नहीं कर यार नहीं कर भाई ओए 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 ये मजे का था नहीं कसर रैप जब रोला ही नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं देखूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी भाई खत्म हो
गया ना अब एक। अच्छा लास्ट में गाना 6 तारीख 6वां महीना कौन सा महीना चला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अबे ये महीना कौन सा है, अभी गर्मी आ गई है, जून जुलाई है। अबे बहन चो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अच्छा 7 को नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है भाई। इसमें ना मैं इतना बोल सकता हूँ ना कि जितना बोला जा सकता था आखिर किंग के बारे में कितना बोला जा सकता था। ऐसे मेरे को ना इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, बंद पढ़ लेंगे हम। बात सीधी सीधी है और छोटा सा रिव्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहली चीज़ यही है कि आजकल तुम लोग देख रहे हो ट्रेंड ना चेंज होता रहता है और ये चीज़ अच्छी है। आज से 4-5 महीने बाद कुछ और था, अपना ब्लेंड होने शुरू हो गया वर्सेस के, जिस तरह ये कर रहे थे करूँगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं बट उनमें से अगर आप मुझसे पूछेंगे ना टॉप 3 के अंदर जो ब्लेंड हो रहा है, अभी रिसेंटली फेलनी गाना आया था वो कमाल के संगता था यंगस्टर्स के, यूनस का, काम का, और आई थिंक काम का ही था ना, और फारिश शफी का था, वो कितना कमाल किस्म का, काम का और फारिश का अगर मैं गलत रहा हूँ, किसे खूबसूरत तरीके से, नहीं उसका तो था ही था वो, ए गाने भूल जाता है मगर तेरे को गालियाँ पड़ेगी, कृष्णा और उसका रैप डिंग का कितना खूबसूरत तरीके से बैंड किया जा रहा था आपस में, उसी तरह इन लोगों ने करने की कोशिश की हुई है। और एक जो तरफ थी ना वो जो मैं चाह रहा था कि किंग को मैं जो मिस कर रहा था वो मेरा सुकून मिल गया है, मेरे अंदर की ना आत्मा को शांति मिल गई है। एक दफा पूजा मिल जाए तो भाई भाई हिंदू मुस्लिम है ठीक है, हानिया हमें चाहिए ना ये। तो हाँ भाई बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक है और आई थिंक मेरे ऐसे आर्टिस्ट व्यूवर लोग खुश हो गए होंगे और पागल हो गए होंगे कि भाई इस तरह का ना सीन मिल गया हुआ उन लोगों को। और कर्मा का फिर से वही बात करूँगा, मैं बड़ी बदतमीज़ तबीयत का इस हिसाब से रखूँगा क्योंकि मैं कर्मा को ना कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। जब कर्मा लेबल छोड़ के गया तो मुझे पता चला कि इसका टैलेंट कितना फंसा हुआ था जो मेरी कभी उस पर नज़र ही नहीं थी, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि वो छोड़ के गया और उसका उसके बाद जो इम्पैक्ट डाला उसने हिप हॉप के अंदर, वो इतना कट्टर रैप कर रहा है ना, शायद वो उस वक्त भी कर रहा था बट सारी हाइप वो बीफ की वजह से कृष्णा मुर्शिद अपना लेकर जा रहा था। तो तुम ये चीज़ें समझ रहे हो जो चीज़ें वो लेकर आ रहा है लोगों के आगे। सो हाँ खूबसूरत मज़ेदार एक प्रॉपर बैंगर हिप हॉप ट्रैक है, तुम्हें वो कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे लिए तो भाई मैं बाइस्ड हूँ टोटली किंग के लिए मुर्शिद के लिए, बट मैं इस चीज़ को ज़रूर देखकर बोलता कि यार अगर ये गाना मेलोडीज में होता, क्योंकि मैंने बीच में 2-3 व्यूज छोड़े नहीं किए क्योंकि मेरे को इस तरह की चीज़ पसंद है और इस चीज़ को मुझे फोकस बिना गोल शेड ने किया क्योंकि मुझे लग रहा था इसके अंदर थोड़ा मैं कर्मा से ज़्यादा इस चीज़ में था कि यार क्या लेकर आया कि वो नहीं चीज़ होगी, तो हुई थी मेरे साथ और वो चीज़ हो गई है मेरे साथ, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा नहीं था, ऐसा लगा मैं पहली दफ़ा डेट पर आया हूँ, डेट नहीं मिलती मुझे इंस्टाग्राम पे लड़की का वो बता देना या कमेंट सेक्शन में बता देना, इसमें आप सबका बहुत धन्यवाद होगा और मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। खुश रहे भाई आप, याद रहे, यस कमांड।